तो नमस्कार दोस्तों, आज के मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हमारा डेड मोबाइल फोन के ऊपर। डेड सेट के ऊपर टॉपिक होने वाला है कि हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो डेड सेट को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, तो मतलब डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है। कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है, उस डेड मोबाइल फ़ोन को आप कैसे रिपेयर करेंगे, उसका रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। कम से कम दोस्तों मैं आपको 50 वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूँ, जिसमें से कम से कम 5, 7, 8, 10 वीडियो तो मुझे लगता है कि मैं शायद आपको बता चुका हूँ, और एक एक करके मैं कम से कम 50 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कि 50 तरीके से आप डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी कोई भी हैंडसेट डेड आता है, छोटा बड़ा एंड्रॉयड, उसमें से कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम हो, बस वो मोबाइल फ़ोन बंद हो गया हो, तो उस बंद मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। ये दोस्तों जितनी वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, एक वीडियो से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। जब आप सारा वीडियो देखेंगे तब आपको कई तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि सर ने जो डेड फ़ोन बनाया है ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बन जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन एक बार में नहीं बता सकता, क्योंकि एक बार में बनाऊंगा तो कम से कम वो वीडियो 20-25-30 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आधा आधा घंटे का, एक एक घंटे का आपको वीडियो देता हूँ, ताकि आप वीडियो को देखें, अच्छा वीडियो को नोट भी करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको नोट भी करते हैं, उस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने ठीक किए हैं, मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो में देख करके ये मोबाइल फ़ोन आया था, वो मोबाइल फ़ोन बंद था, उस मोबाइल फ़ोन में ओके कंडीशन थी और आपने जो स्टेप बताए थे मैंने स्टेप को फॉलो किया और फॉलो करते ही हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया। तो उनको भी लगा कि सर ने जो भी चीज़ बताया वो वाकई में वैसा काम हो रहा है और हम मोबाइल फ़ोन उसके माध्यम से ठीक कर पा रहे हैं, चेकिंग कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ दोस्तों आपके लिए ही है, ताकि वीडियो के माध्यम से आपका हेल्पफुल है, आपका वीडियो से मदद मिलेगा और वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग ऐसे टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, ए से लेकर जेड तक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि बंद फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आता है, स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में शॉर्टिंग हो जाती है, यदि आपके पास कोई भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आता है उसमें स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। आज के दोस्तों में मैं आपको शॉर्टिंग के माध्यम से मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो वी बैट के लाइन की शॉर्टिंग को मैं आपको समझाने वाला हूँ, वी पी एच लाइन की शॉर्टिंग को मैं आपको समझाने वाला हूँ, वी बस की लाइन की शॉर्टिंग को मैं आपको समझाने वाला हूँ। इन तीन चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ, वी बैट, वी पी एच और वी बस। अगर इस तीन में से कोई भी एक लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाती है तो हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या मोस्टली वी बैट की लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आने लगती है। इसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, इसका रिपेयर करने का तरीका क्या है, अच्छा इसको भी रिपेयरिंग करने के दो तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ स्मार्टफोन रिपेयरिंग का, डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का पहला कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट जो रहता है ये तुम्हारे क्वालकॉम सीपीयू हैं या एक्सनॉस सीपीयू हैं, इन सब हैंडसेटों में ये कॉन्सेप्ट मैच करता है, और कुछ मीडियाटेक एसवीडी सीपीयू आते हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं और इसकी लाइन को रिपेयर करना, उसको चेक करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर पाया जाता है ये तुम्हारा 4 पिन का बैटरी कनेक्टर होता है। पहली बात तो जिस 4 पिन होती है, चारों पिन को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। 4 पिन में से क्या होता है, इसमें से 2 पिन जो होती हैं ये तुम्हारी माइनस होती हैं, उसके बाद इसमें से जो 2 पिन होती हैं उसमें से 1 पिन तो तुम्हारी जो होती है वो तुम्हारी आईडी की होती है, उसके बाद दूसरी पिन जो होती है ये तुम्हारी थर्मिस्टर की होती है, उसके बाद 1 पिन जो होती है ये तुम्हारी वी बैट का पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वी बैट।
वी बैट के लिए ऐसा मोबाइल फ़ोन के अंदर टिप्स दिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट टिप्स। इस वी बैट टिप्स से सप्लाई आगे जाती है और इसके लाइन में आपके डायोड वगैरह लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, वन जीरो वन ऐसे करके हमारा रजिस्टर लगा होता है। उसके बाद ये सप्लाई आपके चली जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर। उसके बाद जो तुम्हारी बी क्यू आई सी होती है ये अपने पास से ऐसे कॉइल लगी होती है, डायोड कैपेसिटर, और यहाँ से लाइन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वी पी एच लाइन। क्या बोलते हैं? वी पी एच लाइन। ये वी पी एच लाइन तुम्हारे पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाती है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था। और दूसरी बात क्या होता है, इसी में से एक लाइन हमारी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बस लाइन। वी बस लाइन जो होती है वो कहाँ से आती है? चार्जिंग से आती है। चार्जिंग में से ये जितने 5 वोल्ट सप्लाई होती है, ये 5 वोल्ट सप्लाई यही आपके कहाँ पर जाती है? चार्जिंग आईसी बी क्यू पी एम आई के अंदर जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं वी बस लाइन। ये 5 वोल्ट की लाइन होती है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो लाइन होती है इसको हम लोग 4 वोल्ट की लाइन बोलते हैं। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी होती है इसको हम लोग वी पी एच लाइन बोलते हैं, 3.7 वोल्टेज सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद ये जो वी बस की लाइन होती है जिसको हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई बोलते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मेनली जो होता है, अगर आप बैटरी कनेक्टर में आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि आपके मोबाइल फ़ोन बैटरी कनेक्टर में जब आप चेक करते हैं तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है। अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से चेक करने पर बीप आती है तो ये वाला जो सर्किट होता है, इस सर्किट का हमारा मेन रोल रहता है। अगर इस सर्किट के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आएगी। अगर दोनों तरफ से बीप आएगी तो आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, शॉर्टिंग की कंडीशन में आ जाएगा, शॉर्टिंग में काउंट किया जाएगा। चेक कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे, दोनों पॉइंटों में चेक करने पर बीप देगा। अगर दोनों पॉइंटों में चेक करने पर बीप देता है तो इसका मतलब है कि आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। जब आप माइनस वाले पॉइंट में ग्राउंड से चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करने पर इस पर तो बीप आएगा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। लेकिन जब प्लस में चेक करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर जी आर वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर भी बीप आने लगता है। तो बीप आने से आपको मदरबोर्ड में शॉर्टिंग का पता चलता है, ये पता चलता है मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। जब आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग होता है तो वी बैट की जो लाइन होती है, इस वी बैट के लाइन में जो टिप्स दिया है, आप इसके जो लाइन में जो डायोड लगे हैं, जो कैपेसिटर लगे हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके चेक करते हैं, जो भी वी बैट के लाइन में लगे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा, अगर तो आपका मोबाइल फ़ोन में वी बैट की लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन करके जो भी शॉर्ट होगा उसको क्या करेंगे, बोर्ड से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं दोस्तों, ये पैलर पोजिशन में लगे होते हैं। पैलर का मतलब होता है उसका एक हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव की लाइन से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो नेगेटिव की लाइन से जुड़ा होता है। तो ये पैलर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके रिमूव कर देंगे। लेकिन आप उन्हीं कंपोनेंट को रिमूव करेंगे जो थोड़ा सा आपको जले हुए नजर आएंगे, या थोड़ा सा बर्न टाइप में दिखेंगे, या उनका कलर चेंज हो चुका होगा, ऐसा कुछ अगर आपको महसूस होता है तो उस कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर इसकी सप्लाई जो होती है 010 रजिस्टर से होते हुए आपकी बी क्यू आई सी पी एम आई आई सी से जो कनेक्ट होती है, आप इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसको डिस्कनेक्ट करने से होगा क्या, जैसे आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो डिस्कनेक्ट करने से जो वी बैट की लाइन होती है वो तुम्हारे बी क्यू यानी पी एम आई आई सी से क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर बीच में आपका ऐसा रजिस्टर लगा होता है तो, अगर नहीं लगा होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर लगा होता तो आप उसको हटा सकते हैं। हटा देने से वो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर इसको हटाने से अगर आपके मदरबोर्ड में यहाँ पर वी बैट में या वी प्लस की लाइन में शॉर्टिंग हट जाती है तो हमको ये महसूस होता है कि हमारे आगे की जो पी एम आई आई सी है, बी क्यू आई सी है, वो बी क्यू आई सी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई। अगर ये बी क्यू आई सी पी एम आई आई सी शॉर्ट हो जाएगी तो आपके मोबाइल फ़ोन में वी बैट के लाइन में शॉर्टिंग आ जाएगी और आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर हम इसके अलावा मदरबोर्ड में जब हम रखते हैं, बोर्ड रखते हैं, तो बोर्ड के अंदर वी बैट लाइन को ग्राउंड से चेक करते हैं तो इस पर भी वैल्यू आना चाहिए। वी पी एच लाइन है जब आप इसकी कॉइल में चेक करते हैं तो इसके कॉइल में भी वैल्यू आना चाहिए, और वी बस की लाइन है जब आप इसमें चेक करते हैं तो इसमें भी वैल्यू आना चाहिए। अगर तीनों ट्रंगल में अगर कहीं भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बीप आ जाएगी या शॉर्टिंग हो जाएगी तो शॉर्टिंग होने की वजह से आपकी चार्जिंग आई सी बंद हो जाएगी। जब चार्जिंग आई सी बंद होगी तो हैंडसेट क्या होगा, आपका डेड होगा। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन में जो मेन
लाइन जो होती है वो वी बैट के लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है, तो आपके बैटरी कनेक्टर में फुल शॉर्टिंग आती है। फुल शॉर्टिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है। अगर दोनों तरफ से बीप आती है तो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है जिसको हम लोग चेक करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का मैंने फर्स्ट स्टेप बताया। इसी तरीके से एक और सेकंड स्टेप भी होता है। सेकंड स्टेप में जो वी बैट लाइन होती है वो बी क्यू आई सी के अलावा और भी बहुत सारी कई आईसियाँ होती हैं जहां पर वो सप्लाई जाती है, जिसके कारण से आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया हुआ था, जब मैंने आपको लीकेज कंडीशन मैंने आपको समझाया था, उससे पहले वी पी एच लाइन जो होती है वी पी एच लाइन कहाँ कहाँ पर जाती है, यानी वी पी एच लाइन में कौन कौन सी आईसियाँ लगी होती हैं, जैसे तुम्हारा PFO लगा होता है, 4G PFO लगा होता है, APT IC लगी होती है, या तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में लाइट IC लगी होती है, ग्राफिक IC लगी होती है, LDO लगे होते हैं, इन सभी पर जो VPH सप्लाई जाती है, अगर उनमें भी अगर कोई शॉर्टिंग हो जाती तो भी VPH लाइन शॉर्ट हो जाती है, वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। लेकिन इस दोस्तों मैंने वीडियो में सिर्फ मैंने आपको VBAT के समझाने की मैंने कोशिश करी कि VBAT की लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाएगी तो आपके मोबाइल फ़ोन में मदरबोर्ड में मेन लाइन VBAT लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी, जिससे आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसी लाइन को एक बार मदरबोर्ड में मैं आपको चेक करके बताता हूँ ये लाइन कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है, इसको कैसे चेक करेंगे उसका तरीका बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ये बैटरी कनेक्टर बताता हूँ, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से आपका जो लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर में जो तुम्हारा एक पॉइंट जो होता है, ये एक पॉइंट तुम्हारा जो होता है ये वी बैट का होता है। वी बैट का मतलब होता है जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, वी बैट का टिप्स होता है। उसके बाद जो एक पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा आईडी होता है, एक पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा थर्मिस्टर होता है, एक पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा GND होता है। जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से इसके दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो इसके जो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, प्लस माइनस के जितने दोनों पॉइंट्स होते हैं दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे। जब दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो दोनों पॉइंट में चेक करने पर एक तरफ से रीडिंग आने चाहिए, एक तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर ये चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आता है, अगर दोनों तरफ से बीप आने का मतलब होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फुल शॉर्टिंग है। क्या आता है, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आता है, दोनों तरफ से बीप आने का मतलब होता है आपके मदरबोर्ड में फुल शॉर्टिंग है। जब फुल शॉर्टिंग होता है तो फुल शॉर्टिंग का मतलब होता है आपके माइनस की लाइन तो ग्राउंड से ऑलरेडी जुड़ी होती है, लेकिन जो वी बैट लाइन होती है, इस वी बैट लाइन जो होती है इसका कोई ना कोई कनेक्शन जो होता है माइनस ग्राउंड से जुड़ जाता है, तो ग्राउंड से जुड़ने की वजह से आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को रेड पिन को ग्राउंड पर रखा है, माइनस में बीप आ रही, प्लस में बीप आ रही, अगर प्लस में बीप आ रही तो इसका मतलब वी बैट लाइन में शॉर्टिंग है। वी बैट का मतलब जैसे आपका ये वी बैट का मान लिया टिप्स दिया हुआ है, इस वी बैट टिप्स में भी बीप आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में चेक करेंगे, जैसे इसके पास में सबसे पहले ये कैपेसिटर लगा है, दूसरा कैपेसिटर लगा है, तीसरा ये लगा है, चौथा ये डायोड लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके क्या करेंगे चेक करेंगे। अगर इसके लाइन में अगर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाएगी तो शॉर्टिंग होने का मतलब होता है आपकी वी बैट की लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। जब वी बैट की लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो वी बैट लाइन शॉर्ट होने से हमारा हैंडसेट डेड हो जाएगा। तो हम लोग मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पैलर में जो इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, जो पैलर पोजीशन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन पैलर पोजीशन में कंपोनेंट को चेक करेंगे कि ये सप्लाई यहाँ से पहले यहाँ से होते हुए इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, डायोड पे जाएगी, डायोड से होते हुए कैपेसिटर पे जाएगी, फिर स्टिप्स पे जाएगी। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है ग्राउंड होता है, कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा ग्राउंड होता है, इसका दूसरा हिस्सा ग्राउंड होता है, बाकी ये पॉइंट्स इससे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग जिसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको वन बाय करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। जब इन सारे कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं तो सारे कंपोनेंट चेक करने के बाद अगर शॉर्टिंग होती है तो इसको एक एक करके बोर्ड से रिमूव करते हैं, मतलब बोर्ड से निकाल करके बाहर रख देते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई कार्बन काला काला दिखने लगता है, कोई गंदा दिखने लगता है या बर्न आपको महसूस होने लगता है तो उसको सबसे पहली बात आप बोर्ड से डिसकनेक्ट कर देंगे, वरना 1, 2, 3, 4 इनको क्या करेंगे एक एक करके हटा करके देखेंगे, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग आ रही है। तो ये वी बैट की लाइन जो होती है, वे वी बैट की लाइन कहाँ से आ रही होती है दोस्तों, चार्जिंग आईसी से। जब चार्जिंग आईसी से आ रही होती है तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चार्जिंग आईसी तक भी लगे होते हैं, चार्जिंग आईसी के आउटपुट में भी ऐसे कैपेसिटर लगा होता है, तो उसको भी हम वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग तो नहीं है। इसके लिए चार्जिंग आईसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हम लोग सबसे पहली बार चार्जिंग आईसी की पहचान करेंगे, मदरबोर्ड में देखेंगे चार्जिंग आईसी कहाँ लगी है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा PFO आईसी लगी है, ये तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क के लिए WTR आईसी लगी है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप देखेंगे तो एक ये आईसी लगी है, इसमें बहुत सारी कॉइल्स लगे हुए हैं,
बहुत सारी कॉइल्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद फिर इसी तरीके से ये पावर आईसी हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बोर्ड में दूसरी साइड देखेंगे। ये देखिए, ये आपका जो यहाँ पर ये आईसी हटी हुई, ये आपकी तुम्हारी एमएमसी आईसी है, ये आपके बोर्ड में क्वालिकॉम लगा, ये तुम्हारे सीपीयू आईसी है। उसके बाद ये देखेंगे तो इसके पास में आपके दो कॉइल लगी, एक कॉइल ये लगी है, दूसरी कॉइल ये लगी है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो आईसी लगी, ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी है। अब चार्जिंग आईसी का मतलब होता है जो हमारे वीबस की जो लाइन होती है वो ओबीपी से होते हुए हमारे इस आईसी के अंदर इन होती है। जब इस आईसी के अंदर इन होगा तो यहाँ से हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या आउटपुट होगा, वीबैट आउटपुट होगा। जब वीबैट आउटपुट होगा, वो वीबैट यहाँ से आईसी से आउटपुट होने के बाद, इस आईसी से आउटपुट होने के बाद ये आपकी सप्लाई कहाँ पर जाती है, बैटरी कनेक्टर पर जाती है। यहाँ से वी बैट का क्या होगा आउटपुट, ये वी बैट आउटपुट होने के बाद फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, वी बैट, ये बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई जाती है। तो अब यहाँ से लेकर के आप चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट सप्लाई आ रही होती है, उस आउटपुट सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग वी बैट लाइन को चेक करते हैं। अगर वी बैट लाइन में कोई भी शॉर्टिंग हो जाती है तो हमारा एनसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब इसी चीज़ को दोस्तों मैं एक बार मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। वी बैट की लाइन की शॉर्टिंग को चेक करेंगे तो ये बैटरी कनेक्टर में देखेंगे दोनों पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया, रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, उसके बाद जब यहाँ पर चेक करेंगे तो माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर वी पाएगी, प्लस वाले पॉइंट में चेक करेंगे तो प्लस वाले पॉइंट पर चेक करने पर वैल्यू आएगी। और जब हम लोग इसको आपस में चेक करेंगे तो आपस में हमारा एक वैल्यू आ रही है। हमने जब उल्टा लगा कर चेक किया तो उल्टा कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये वैल्यू आ करके चली जा रही है। इतनी वैल्यू आती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारे मदरबोर्ड में हमने चेक किया, तो मदरबोर्ड में अगर चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है तो दोनों तरफ से बीप आने का मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। मदरबोर्ड में शॉर्टिंग का मतलब होता है वी बैट की लाइन में तो बीप आएगी तो चलेगा, लेकिन वीबस की लाइन में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर वीबस की लाइन में बीप आती है तो इसके पास में जैसे एक कैपेसिटर लगा, तो आप पहले इस कैपेसिटर को चेक करोगे, ये एक तरफ से वैल्यू देगा, दूसरी तरफ से बीप देगा, ऐसे। ये डायोड को चेक करोगे उसके बाद आप इसको चेक करोगे तो ये आपके लाइन में, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लाइन में चेक करने पर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं ये वैल्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बीप दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है पैरेलल में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये हमारे कंपोनेंट्स क्या है, सही है। उसके बाद आप मदरबोर्ड के अंदर जो चार्जिंग आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी के पास में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं, या जो आपका यहाँ से वी बैट की लाइन का जो आउट का कैपेसिटर लगा होता है, उस वी बैट की लाइन के आउट के कैपेसिटर में ऐसे चेक करते हैं हम लोग। इसी तरीके से मोस्टली एक एक करके जितने भी सारे कैपेसिटर होते हैं सारे कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। किसी भी कैपेसिटर में दोनों तरफ से बीप नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से बीप आती है तो दोनों तरफ से बीप आने का मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड की लाइन शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है, हमारे मदरबोर्ड की लाइन शॉर्ट है। तो वी बैट की लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, वी बस की लाइन की जो सप्लाई है वो आपके मोबाइल फ़ोन में, ये आपका फिल्टर लगे हैं तो ये डिस्प्ले का जैक है और ये तुम्हारा यूआई का जैक है। यहाँ पर वी बस की सप्लाई आएगी, 5 वोल्ट करंट आएगा, 5 वोल्ट करंट यहाँ से होते हुए ओबीपीएस ऑफिस से होते हुए आपका कहाँ पर चला जाएगा, चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा। चार्जिंग आईसी से यहाँ से वीपीएस भी बनेगा और यहाँ से वी बैट भी बनेगा। जो वी बैट बनेगा वो वी बैट सप्लाई होने के बाद, इस आईसी से वी बैट सप्लाई होने के बाद कहाँ पर जाएगी, इस तुम्हारे टिप्स पर जाएगी, प्लस वाले टिप्स पर जाएगी। तो अगर इस लाइन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग हो जाएगी तो आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बाकी जो क्वालकॉम सीपीयू में ये जो वी बैट की लाइन होती है बाकी किसी अदर किसी भी सेक्शन में नहीं जाती है, ना तो तुम्हारे पीएफओ में जाती है, ना तुम्हारी आरएफ में जाती है, ना तुम्हारे पावर में जाती है, ना तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर या 4G PFO में जाती है, किसी अदर सेक्शन में सप्लाई नहीं जाती। तो इस सप्लाई को चेक करने के लिए हमको इसी वी बैट की लाइन को चेक करना होता है। अगर वी बैट की लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी तो हमारे मोबाइल फ़ोन में मेन लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है और हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होता। अगर वी बैट की लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रोजिन लगा करके भी शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। वो मैं आपको आगे अगले वीडियो में आपको आगे स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको चेक करेंगे, उसका प्रैक्टिकली भी मैं आपको तरीका आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे उसके माध्यम से शॉर्टिंग को ढूंढा जाता है। तो आज दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वी बैट की लाइन की शॉर्टिंग हो जाती है, उस वी बैट के मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग को आप लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा वी बैट की लाइन की जो मेन लाइन के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, उस मेन लाइन की शॉर्टिंग को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है। तो आज आप लोगों ने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में वी बैट लाइन की शॉर्टिंग को ठीक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इसके लिए मैंने बोर्ड में आपको सर्किट डायग्राम भी बना के बताया है, उसको मदरबोर्ड में चेक करके बताया है, उसके लाइनों के बारे में समझाया है।
इसी तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, आप आईडी थर्मिस्टर लाइन होती है उसको भी चेक कर लेंगे, अगर उसके लाइन में भी शॉर्टिंग हो जाती है तो भी हैंडसेट हमारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो एक एक करके जितने भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप डेड मोबाइल फ़ोन के, मैंने 50 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, इसमें से बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको मैं आपको बेसिक के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का तरीका सीख सकें। अगर इस सारी वीडियो को आप प्रॉपर अच्छी तरीके से देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉपी में सर्किट को बनाते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं आप मदरबोर्ड को काफ़ी हद तक रिपेयर करना सीख जाएंगे और आपको डेड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने का तरीका समझ में आएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूं, डेड मोबाइल फ़ोन का दुनिया जान में आज तक कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा आज तक तरीका, कोई आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट कोई भी ज़िंदगी में आज तक नहीं बना है कि छू मंतर वाला कि आप ऐसे कर दीजिए बस आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया। उसको ठीक करने के बहुत सारे स्टेप्स बने हैं। अब जितने लोगों ने जितने सारे स्टेप्स के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रखा है, जितने के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को ऑन किया हुआ है, या उनके डीसी मशीन एम्पियर रीडिंग के माध्यम से, मल्टीमीटर के माध्यम से, सप्लाई के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से, शॉर्टिंग के माध्यम से, एक एक करके बहुत सारे जो तरीके हैं जिसके माध्यम से डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक किया जाता है, उनका ठीक करने का तरीका जो उन्होंने किया है, तो वो हम आपको आपके साथ में कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं। इसी तरीके से मैं 50 वीडियो में लेकर के आऊँ, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के शॉप चला रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते, किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इन वीडियो के माध्यम से सीख करके अच्छा काम कर सकें। और आप अगर दोस्तों अगर वीडियो के माध्यम से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि और भी ऐसे लोग हैं जिनको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी वीडियो मिल सके और वो भी वीडियो के माध्यम से सीख सकें। और अगर हम आपको सिखाने में आपको इतनी मदद कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर करिए, आप भी हमारी हेल्प करिए, ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंच सके और वीडियो के माध्यम से वो जानकारी ले सकें। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप सभी कंप्लीट मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं, कंप्लीट स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीखना चाहते हैं, परफेक्ट हैंड स्किल करना चाहते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो सर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको मात्र 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं, 45 डेज के अंदर ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका हम आपको सिखा करके भेजते हैं विद प्रैक्टिकल तरीके से। 45 दिन का मैंने समय मांगा, फुल डे 8 घंटे क्लास होती है, 45 दिन में सीख जाओगे। उसके बाद भी अगर सीखने में थोड़ा बहुत समय लगता है तो कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता, आप दोस्तों कंप्लीट तरीके से सीख करके ही जाओगे। तो ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है कानपुर सागर मार्केट में है, और ये सागर मार्केट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जस्ट नियर अबाउट है, जस्ट पास में ही है, तो आप आराम से आकर के सीख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से नए टॉपिक पे बात करेंगे, नई चीज़ के बारे में सीखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आप तो मैंने ये बताया कि वी बैट की लाइन हमारी सिर्फ चार्जिंग आईसी पे जाती है, अब कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें वी बैट की लाइन और कई अलग अलग जगह पर जाती है, तो जो कई अलग अलग जगह पर कहाँ जाती है तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।